हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम की सेकंड क्लास। तो पहले मैं बता दूं, बाइनोमियल थ्योरम की पहली क्लास के अंदर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बेसिक एक्सपेंशन सोचा। एक्सपेंशन हमने निकालना सीखा कि किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को, और आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं या किसी भी टर्म को कैसे निकाला जाता है। और हमने मिडल टर्म निकालने भी सीखी। क्या सीखी? मिडल टर्म निकालने। तो आज की क्लास के अंदर अपन लोग दो बस छोटी छोटी बातें करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम को आगे तक लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने सीधा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन, मान लेते हैं ये एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन के अंदर एवरीबडी नोज कि इसमें 11 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 11 टर्म्स होंगी। अब इन 11 की 11 टर्म्स के सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द कोफिशिएंट लिखना था, सॉरी, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन 4x + 3 की पावर 10। तो प्यारे बच्चों, 4x + 3 की पावर 10 को आपको मैं पहले लेंथी तरीका बताता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन के कर लेंगे। सबसे पहले लेंथी तरीका बताने वाला हूँ। 4x + 3 की पावर 10 के अंदर जो 11 टर्म होंगी उनको लिखने वाला हूँ 10 से 0। ये आ गए मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या ये आ गया हमारा एक्सपेंशन 11 टर्म्स का। अब ये सारे के सारे कोफिशिएंट का सम मांग रहा है, मतलब आपसे पता है क्या मांग रहा है, एक्स को छोड़ दो, ये प्लस ये ये सबका सम मांग रहा है। तो कर लेना, क्या दिक्कत है, कुछ है क्या इसमें। ये 1 हो गया, 4 की पावर 9 निकाल लेना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी तरह से सारे के सारे कोफिशिएंट निकाल के ऐड कर देना। कितना इजी है, ठीक है ना। 2 घंटे लग जाएंगे इसमें, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो भाई ये हमें निकालना है, ये मैंने बस आपको दिखाया कि हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सारी टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम मांग रहा है, तो सारी टर्म्स के कोफिशिएंट का सम तो यही होगा ना। अब ये कैसे निकालेंगे, सोचिए, ऐसा क्या करूं मैं दोनों तरफ कि ये आ जाए, इसके साथ क्या छेड़छाड़ करूं, ऐसा क्या करूं कि भाई यो आ जाए। सोचो, x को 1 डाल दो, सोचो अगर आपने x को 1 डाला है तभी तो आएगा ये आएगा ना, x को 1 डाल के तो आएगा। x को गायब करने का सिंपल सा तरीका है, सिर्फ x को गायब करना, पूरी टर्म को गायब करना है तो x को 0 डाला करो, लेकिन सिर्फ x को गायब करना है, सिर्फ वेरिएबल को गायब करना है, रिमूव करना है, बाकी सब वहीं का वहीं रहे, उसके लिए x को 1 डाला करो। सोचो x को 1 डाला तो राइट में क्या, लेफ्ट में क्या आएगा, 7 की पावर 10, और राइट में क्या आएगा ये, और यही तो मांगता है, यही तो है सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स। तो आंसर क्या आ गया, 7 की पावर 10। तो यहां से सीखने को मिला कि कभी भी आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन निकालना हो तो रिप्लेस कर दो वेरिएबल्स को 1 से। किससे? 1 से। देखो, फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन, रिप्लेस द वेरिएबल्स बाय 1। किसी भी एक्सपेंशन के अंदर अगर आपको सारे के सारे टर्म्स का कोफिशिएंट का सम निकालना हो, तो आज के बाद आप क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स की जगह पर लिख देंगे। जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें तो एक ही वेरिएबल था x, क्या पता
एक्सपेंशन मल्टीनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, चार बेस में चार टर्म्स हो, इवन देन यू कैन फाइंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो क्वेश्चन आया इस एक्सपेंशन को अगर मैं देखूँ ना, तो पता है कितनी टर्म्स होंगी इसमें, 5, 15, 3, 18, 18 माइनस 1, 17, 17 सी 2 होगी, 17 सी 2. तो इन सारी टर्म्स का कॉफिशियन का सम निकालना है. रिप्लेस द वेरिएबल्स बाय 1, तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड. तीन की पावर पाँच. सच नहीं हो रहा भाई, आज एक अपडेट आया था उसको किया था. क्वेश्चन नंबर 344 देखेंगे. सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, वन डालेंगे. आंसर 729. समझ आया? टॉपिक वाइज करा रहा हूँ. अभी तक मैंने कितने टॉपिक कराए हैं आपको, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, किसी भी टर्म को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, एंड सम ऑफ द कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं. अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन गलत हो जाए, 100% हो जाएगा, ठीक है ना. तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो x की जगह 1 डाल दिया. ये देखिए 358, बेहतरीन क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन. कहता है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है 28, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन. तो सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन एक्सपेंशन के लिए आपको एक्स को 1 डालना पड़ेगा. 4 × 1 = 5 में से दो गए, 3 की पावर n आ गया, लेकिन हमारे पास n नहीं है. सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स निकालना है, वो तो आ गया एक्स को 1 डाल के.
तीन की पावर एन आ गया, लेकिन एन नहीं है हमारा आंसर, एन में थोड़ा है हमारा आंसर तो है 64 2187 243 729। उसके लिए उसने बोला है कि इस एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं कितनी, 28। अब ये बाइनोमियल में तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा, तो इसमें लगेगा एन प्लस 3 माइनस 1 सी 2 कितना है 28, तो हो गया एन प्लस 2 सी 2 इक्वल टू 28। तो एन को क्या लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि एन की वैल्यू 6 होगी तो 8 सी 2 तो 28 होता है ना, एन 6 आ गया, तो एन को 6 यहाँ डाल दो, तो 3 की पावर 6 729 आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्या आ गया, डी ऑप्शन। किस किस को क्लियर है, मैं एक बार चैट को इनेबल करूंगा, प्लीज टेल मी किस किस को क्लियर है, जल्दी से बताएंगे, शाबाश है, जल्दी 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 जल्दी। एप्पल लोगे बेटा, ओपी है, मामला ओम प्रकाश है, वॉरियर विशाली चतुर्वेदी दुर्लभ ऋषभ तनुज, बहुत बढ़िया। ओके मैंने होमवर्क दिया था, क्या था तुमने, ऐसे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा मुस्कुराना है या तेज तेज हंसना है और आंसर लगा देना 5 सेकंड में। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, टेल मी आंसर फास्ट, कमेंट में आंसर चाहिए सब बच्चों के, जब जब जल्दी से। सर मैं एप्पल पर ही क्लास कर रहा हूँ। अच्छा क्या बात है, तेरे पे एप्पल है, सब हो गए, मैं भी सोच रहा हूँ लूंगा यार एप्पल ना। मेरे घर में सबके पास एप्पल का फोन है, मेरे पास ही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या करना है इतने महंगे महंगे फ़ोन यार, वो वैसे ही मेरे ना केयर नहीं हो पाती चीज़ों की, ठीक है ना। समटाइम्स वन ऑफ माई फ्रेंड मेरा मोबाइल साफ करता है या करती है, ठीक है ना। हाँ जब भी क्लास होती, जब भी मैं मिलता हूँ कभी, तो ये मोबाइल किसी और के द्वारा साफ़ किया जाता है, मैं खुद नहीं कर पाता। तो एप्पल का फ़ोन लेके इतना महंगा, आई थॉट कि रहने देते हैं यार। नहीं यार मेरे पास नहीं था भाई, क्वेश्चन नंबर 396 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 396 कहता है सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन के अंदर कोएफिशिएंट का सम दे रखा है 124 भाई, 1024 कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 11 की पावर 10 इक्वल टू 1024। 1024 को लिख ले 2 की पावर 10, 2 से 2 निकल लिया, अच्छा क्वेश्चन था यार, कुछ लगा किया है, कुछ लगा किया है, नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेंगे, सारे कोएफिशिएंट का सम दे रखा है 1024, तो आप एक्स को वन डाल के इसको लिखो 1024 के इक्वल रखो, 1024 को 2 की पावर 10 लिखो, 10 से 10 काटो, 1 की वैल्यू निकालो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, एक आ गया 3। जल्दी से बता देंगे क्लियर है कि नहीं, चैट को मैं इनेबल कर रहा हूँ, जल्दी से बता देंगे क्लियर है कि नहीं, चैट को इनेबल कर रहा हूँ।
क्लियर है? आगे से कभी भी आप सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन एक्सपेंशन निकालेंगे तो घबराएंगे नहीं, कुछ नहीं, रिप्लेस द वेरिएबल बाय वन, आंसर की प्राप्ति होगी। क्या होगी? आंसर की प्राप्ति होगी। थ्री फिफ्टी एट का थर्ड स्टेप मांग रहा है एक बच्चा। थ्री फिफ्टी एट में क्या है? 358 में उसने बोला है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 28। तो आपने पढ़ा है ना n+r-1 cr-1, पढ़ा है कि नहीं? ये नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देता है। तो n का काम कर रहा है n, r का काम कर रहा है 3 माइनस 1, तो n+2c2, ये दे रखा है 28, तो n+2c2। क्लियर? दिख रहा है n की वैल्यू 6 होगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते n की, n की वैल्यू 6 की होगी, तो n+2c2 को सॉल्व कर ले। क्या करेंगे n+2c2 को? n+1/2, उधर जाके 56 हो जाएगा, तो n² + 3n, इधर आके -54 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 54 है ना, ये 69 जा 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 और -6, दूनी 56, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई -9 और 6 आ गया, 6 ही आया था ना, लेकिन आप हिडन ट्राई लगाओगे तब भी आ जाएगा। हिडन ट्राई लगाएंगे तो n की वैल्यू सीधा 6 मिल रही है। अब फिर 6 × 3^6, इसका कोफिशियंट क्या था सम का? 3n, तो 3^6 हो गया 729, इतना आ गया 729, डी ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बता देंगे क्लियर है कि नहीं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देने वाला हूं, पैराग्राफ एक्सपेक्टेड लिख लेना बेटा, एक्सपेक्टेड लिख लेना। ध्यान देंगे सब बच्चे जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए सीखने वाला क्वेश्चन है, कुछ नया सिखाएगा ये क्वेश्चन,
एक एक्सपेंशन है जिसको हमने लिख दिया ऐसे, और वो कह रहा है ए नॉट निकालो। तो देखो ए नॉट एक ऐसी टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं है। कभी भी आपको ऐसी टर्म निकालने के लिए आ जाए जिसके साथ एक्स ना हो तो उसको निकालना बहुत सिंपल होता है। एक्स को जीरो डाल दो, एक्स को जीरो डालेंगे यहाँ क्या आएगा और राइट में क्या आएगा, सेकंड है ध्यान से देखिए इसको, ये भी पढ़ाया मैंने, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, सारे के सारे टर्म्स का कोफिशिएंट का सम है। इसको निकालना बहुत सिंपल है, एक्स को मन डाल दो, तो सेकंड का आंसर आ गया 6 की पावर n। कभी भी आपको सारे कोफिशिएंट का सम निकालना हो तो x को 1 डालना है, और अगर सिर्फ वो टर्म निकालनी हो जिसके x ना है नहीं है तो चचा उसके लिए आप x को 0 डालेंगे। अब देखिए यहाँ से नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तीनों चीज़ों के लिए आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तीनों पार्ट बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। इसको देखिए ध्यान से, ये जो है पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा ये है क्या, ये सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो कभी कभी ये भी लिखा जाता है फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, तो समझ लो आपको कह रहा है वो ऑड प्लेसेस में जो टर्म्स हैं पहली तीसरी पांचवी सातवीं नौवीं उनके कोफिशिएंट का सम निकालो। तो अगर कभी ऐसा कुछ निकालने के लिए आ जाए तो आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसकी हेल्प से आप निकाल लेना और सिखाऊंगा अभी कि शॉर्टकट कैसे बना। आपको एक बार एक्सपेंशन में 1 डालना है, एक बार -1 डालना है, और जो भी रिजल्ट आएंगे दोनों से ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। वन डालना, 4 × 3 = 7 -1 6 की पावर n प्लस -1 डालना, -1 डालेंगे तो कितना आएगा 4 − 3 − 1 बटे 2 0 आ गया, -1 -1 डालेंगे कितना आएगा 0, बीच में प्लस लगाना है बाय 2। कभी भी आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन ऑड प्लेसेस निकालना हो, ऑड प्लेसेस, तो उस केस में आप एक बार x को 1 डालेंगे, एक बार -1 डालेंगे, जो भी रिजल्ट दोनों से आएगा उसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। फोर्थ पार्ट सिखा दूंगा अभी क्यों करते हैं ऐसा। These are some of the coefficients of all the terms occupying even places. तो उसमें एक बार x को 1 डालेंगे और एक बार -1 डालेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब 1 डाल के जो रिजल्ट आएगा -1 डाल के जो आएगा फिर 2 से डिवाइड। ये हो गया हमारा चौथा पार्ट, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स। ऑल द टर्म्स के लिए x को 1 डालना है और इसके लिए क्या करना है दोनों के लिए बता दिया, और a नॉट के लिए तो x को 0 डालना है। अब आता है a1, a1 नहीं पूछेगा, a2 शेटू नहीं पूछेगा, a2 a नॉट पूछेगा या a1 पूछेगा, ठीक है ना। तो a1 कभी भी निकालना हो, a1 के साथ x था,
a1 के साथ x था और a2 के साथ x के, ठीक है। तो कभी भी आपको x का कोएफिशिएंट निकालना हो a1, ठीक है ना, पहले कांस्टेंट निकलवाया मैंने जिसमें x नहीं है, अब दो में निकलवा रहा हूँ x का कोएफिशिएंट, तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना है। भाई a नॉट निकालना इजी क्यों था सोचो, a नॉट निकालना इसलिए इजी था क्योंकि a नॉट के साथ x नहीं था और बाकी सबके साथ x था। a नॉट निकालना इसलिए इजी था क्योंकि a नॉट के साथ x नहीं था और बाकी सबके साथ x था। अगर यही काम मैं किसी तरह से a1 के लिए कर दूं कि a1 के साथ x ना हो और बाकी सबके साथ x हो, तो हम a1 यू निकाल लेंगे x को जीरो डाल के। तो फॉर दैट आई विल हैव टू रिमूव x फ्रॉम हेयर ना, आई विल हैव टू रिमूव x फ्रॉम हेयर। उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 4x² प्लस 3x माइनस 1 डिफरेंशिएशन बोथ द साइड ये तो जीरो हो गया, ये कितना आ गया, इन सारी टर्म्स के साथ एक्स है और सिर्फ अकेले इसके साथ एक्स नहीं है। अब एक्स को जीरो डाल के आप ए वन निकाल सकते हो। ये आ गया ए वन। एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन ये आ गया ए वन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताएंगे बेटा है क्लियर कि नहीं। किस किस को क्लियर है ईमानदारी से, पांचों बातें, क्योंकि इन पांचों बातों के ऊपर पैराग्राफ बन सकता है। एक क्वेश्चन दूंगा ऐसा मैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा, मामला सेट है। चल बढ़िया यार, लास्ट वाला रिपीट कर देते हैं। सेकंड वाले में तो कुछ भी नहीं है यार, सेकंड वाले तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स है, सारे के सारे कोएफिशिएंट का सम निकालना है सेकंड वाले में, तो उसमें तो सीधा एक्स को वन डाल देना है कि नहीं, कैसी बात कर दी आप। लास्ट वाला बच्चा तो रियांश पूछ रहा है सेकंड वाला, लास्ट वाले में तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और कोई तरीका ही नहीं है ना एक्स को निकाल, ए वन निकालने का, ए टू निकालना होता ना ए टू तो और डिफरेंशिएट करता दो बार, ए टू निकालने के लिए आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ए टू निकालना होता तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, हमें जो निकालना है उसके साथ एक्स गायब करना पड़ेगा तभी निकलेगा।
भाई जीरो तो इवन नंबर होता है, ऑड थोड़ा होता है यार। रखिए इवन नंबर जीरो, जीरो इवन नंबर होता है भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूँ, क्लियरिटी आ जाएगी। लिख लो सब क्वेश्चन। कौन सा भाई इतने मैसेज कर रहे हैं? पहले का आंसर क्या आएगा? 5 2 7 - 4 3 की पावर 10। सॉरी जीरो डालेंगे ना पहले वाले, 2 की पावर 10, 1024। दूसरे का आंसर क्या आएगा? एक्स को 1 डाल के 3 की पावर 10। इसका क्या आएगा? इसका आएगा जब आप एक बार एक्स को 1 डालोगे और एक बार -1 डालोगे। 1 डाल के आया 3 की पावर 10, और -1 डाल के आएगा 5 4 9 2 11, 11 की पावर 10, पौन में 2। प्लस करना होता है इसमें, और ऑड इवन प्लेसेस का सम करना है, मतलब a1 + a3 + a5, तो 3 की पावर 10 -11 की पावर 10 / 2। और A1 निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पावर आगे एक पावर कम, डिफरेंशिएशन बेसिक आना चाहिए। कुछ नॉन मैथ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको डिफरेंशिएशन हो सकता है ना आता हो, तो उस पर भी देखते हैं, काम कर लेंगे यार। अब एक्स को 0 डाल दो, आया किसी का? Did it come or not? डाल बताते हैं बेटा क्यों डालते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लड़के का, कि ऐसा क्यों करते हैं, काहे करते हैं? किस किस को क्लियर है एक बार लिख देंगे बेटा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों करते हैं। देखो बहुत सिंपल है समझना ऐसा क्यों करते हैं, मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको समझाता हूं। अगर मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लूं, 5x² - 4x + 2, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालता हूं तो राइट में क्या आएगा?
और अगर मैं x की जगह माइनस वन डालता हूँ तो क्या आएगा, ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, आपको ये निकालना है। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऑड प्लेसेस पे ऑक्यूपाई करने वाली कोफिशिएंट का सम। तो सोचिए क्या करना चाहिए, मुझे हटाना क्या है, मुझे A1 हटाना है, मुझे A3 हटाना है, मुझे A5 हटाना है, मुझे A7 हटाना है, उनको हटाने के लिए मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा। कर दिया तो देखो क्या हुआ, ऐड करके ये सारे A0 ट्वाइस हो गए, टू कॉमन ले लिया और फिर टू नीचे चला गया। कुछ कुछ क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सोचो A0, A2, A4 कट जाएगा और A1, A3 इवन प्लेसेस वाले का सम हो जाएगा ट्वाइस, फिर टू कॉमन लेके नीचे फेंक देंगे। हाँ जी 15 मिनट, हाँ लेट हो रहा क्या? नहीं नहीं बस मैं आता हूँ, ठीक है ओके सर। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने रीज़न भी दे दिया अब तो आपको यार, अब तो रीज़न भी आ गया आपके पास, क्या बोलते हैं आप? ठीक है, तो आज क्या सीखा, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन, एंड इसके अलावा सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसिंग ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसिंग एंड द कोएफिशिएंट ऑफ जिसके अंदर एक्स की पावर 1 होती है उसका कोएफिशिएंट सीख लिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? सेशन छोटा है लेकिन तगड़ा है, ठीक है ना? मौज आ गई बेटा, क्लास छोटी है लेकिन अच्छी है, ठीक है ना? तो भाई ऐसा है ना कि किसी रीज़न की वजह से आज जल्दी छोड़ूंगा क्लास को, ओके? और रीज़न भी मैं बता देता हूँ, मेरी डॉटर है ना, उसका एक फ्रेंड है, वो भी फर्स्ट क्लास में है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को याद कर रहे थे, तो मैं उसके घर गया और इसके फ्रेंड को ले आया कि यहाँ खेलेंगे, तो ये खेल रहे हैं। और उसके पापा का कॉल आ रहा है, वो मेरे फ्रेंड है, कि सर ले आओ मेरे बेटे को वापस भेज दो, तो अब उनको देने जाना है उनके बेटे को, ठीक है ना? वो कह रहे हैं हम सोने वाले हैं, तो ये खेल रहे हैं बाहर, तो मैं जाऊंगा उनको उनके घर पे ना भाई, वो कोई दिक्कत ना है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट की टेंशन ना है अपनों को समझ रहे हो? मैं तो पूरे प्लान से बैठा था कि आज नाइट राइडर बनूंगा, नहीं नहीं कल सुबह, कल रखेंगे 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास और इसको ख़त्म करना है। कल मेरा प्लान है कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम का 50% तो हो ही गया है, इसमें कुछ रात थोड़ा है, ये तो खत्म हो चुका है चैप्टर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 50% बन भी जाएंगे, ये कोई चैप्टर थोड़ना है यार, ये PNC थोड़ना है, ये PNC थोड़ना है, प्रोबेबिलिटी थोड़ना है, इसमें टाइम लगता है, तो बैंगन टॉपिक है, इसमें तो टॉपिक कराने होते हैं मुझे छोटे छोटे, उसी से क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना? बेहतरीन टॉपिक है ये, पढ़िए सेल्फ स्टडी करिए आज। अरे मजाक कर रहा था, छोड़ने जाऊंगा देने। फोटो क्लिक करके सेंड कर दो, किसकी? एक दिन आप रख लो। नहीं यार वो मना कर देंगे, ये बहुत खेलते हैं और बहुत लड़ते हैं, सोने नहीं देंगे मुझे ये, ठीक है ना? अभी ये वेट कर रहे हैं कि जब मैं बाहर आऊंगा तो यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे ये लोग, यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना? हाँ अभी देखो, अभी मैं बुलाता हूँ इनको। भूवी भूवी देखो, अभी देखो ड्राइंग करेंगे लोग। ड्राइंग करनी है क्या? मुझे करनी, मुझे करनी, मुझे भी करनी, मुझे भी करनी है, मुझे 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 कर
आया। अरे ये देखो भाई, ये बैठेगी यहाँ पे बच्चों। अरे ये क्लास चल रही है लाइव। है ये मुझे क्यों बताया? कोई बात नहीं, हेल्प तो कर दो बच्चों को, ये पढ़ते नहीं है। अरे तो बेटा ये करेंगे ड्राइंग अभी, ठीक है ना? तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये छोटू आया हुआ है, छोटू कम यार। ठीक है, कल मिलते हैं यार। ड्राइंग करके दिखाओ। अरे पर मुझे इधर तो कर दो। ये लो, इधर कर दिया। थोड़ी सी आगे कर दो। दो भाई, ड्राइंग करती है बहुत बढ़िया। हेलो, क्या बना के दिखा रहे हो? हैं? आइसक्रीम। भाई ये देखो आइसक्रीम, हमारी भूभी की आइसक्रीम। तो भाई खूब पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, बढ़िया, एक नंबर। तेरी बहुत डिमांड है, देखो आपके सामने। हेलो कर दे सबको। बहुत डिमांड है आपकी, सब पूछ रहे हैं आपके बारे में। आपने नहीं करनी ड्राइंग? चलो बेटा तुम पढ़ो यार, तुम्हारा एक एक सेकंड कीमती है, ठीक है ना? अच्छा यार, एक लास्ट एक बार आइसक्रीम देख लो भूभी, देखो बेटा आइसक्रीम बनाई है। फिर से गलत कहाँ बना यार? ठीक तो बनी थी, प्यारी आइसक्रीम है यार। अच्छा ठीक है, अच्छे से बना लो, फिर नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, चलिए यार, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा कॉपरेट कर लेते हो। कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। कल 3 घंटे की क्लास दूंगा आपको, कल 26 है, छुट्टी है, कल बाइनोमियल थ्योरम खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग।